नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको सर कटे जिंद के बारे में एक बहुत ही विशेष जानकारी देने जा रहा हूं। ये क्यों इतने गंदे होते हैं, क्यों इतने बुरे होते हैं, इस विषय में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है बहुत लोगों के लिए जो इस विषय में जानते नहीं हैं। बहुत लोगों की रिक्वेस्ट थी कि जिंद के ऊपर मैक्सिमम वीडियोस बने, डिफरेंट डिफरेंट उनके बारे में मैं बताऊं। तो आज मैं आपको सर कटे जिंद के बारे में बताने जा रहा हूं। ये एक स्पेसिफिक फॉर्म, एक स्पेसिफिक कैटेगरी के जिंद होते हैं जो सबसे ज़्यादा बुरे माने जाते हैं, सबसे ज़्यादा गंदे माने जाते हैं। और किस तरीके से ये काम करते हैं, किस तरीके से लोगों को तंग करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। एक ऐसी आपको गुप्त जानकारी दे रहा हूँ पारलौकिक दुनिया की, जो शायद ही आपको किसी ने दी होगी। तो इसको ध्यान से सुनिए, आराम से सुनिए। अगर आप इन चीज़ों में बिलीव करते हैं तो ही इन बातों को सुनिए। और इस वाक्य से, इन इंफॉर्मेशन से आप बहुत हद तक रिलेट कर पाएंगे, बहुत हद तक रेलिवेंसी देख पाएंगे उन प्रॉब्लम्स की जो आप फेस कर रहे हैं, या अगर आपने कभी ऐसी फेस की है। साथ में आपको ऐसी बहुत सी सावधानियां, जानकारी मिलेगी जिससे आप आगे सतर्क रहोगे, कभी भी कोई ऐसी गलती नहीं करोगे अगर आप ऐसी किसी कंडीशन में फंस जाते हो। सर कटे जिन सबसे ज़्यादा बुरे माने जाते हैं। इनकी अगर हम लुक की बात करें तो एक कटा हुआ सर होता है जो हवा में लटका हुआ होता है। नीचे बॉडी कुछ भी नहीं होती, सिर्फ धुआं होता है खाली। अगर आपको वो नंगी आंखों से दिखे तो एक खाली आपको विजिबल होगा, वो होगा सर। मैक्सिमम लोग, यूं कह लीजिए जो सेवड़े तांत्रिक होते हैं, वो इन्हीं को सेवना पसंद करते हैं, यानी कि बुरे जिनों को ही सेवना पसंद करते हैं। ये जो बुरा जिंद होता है, और ख़ासकर जब सर कटा जिंद हो, तो इसकी यूं कह लीजिए बहुत हद तक बुराई का कोई आंकड़ा नहीं होता, कोई बुराई का अंत नहीं होता। और जितने ज़्यादा बुरे जिंद सेधे जाते हैं, उतनी ज़्यादा पावर बहुत से तांत्रिक उन जिनों से ले लेते हैं, उनसे ताकत ले लेते हैं, ज्ञान ले लेते हैं। और बुरे जिंद होते हुए भी इनके पास असीम नॉलेज होती है, असीम पावर होती है, असीम यूँ कह लीजिए आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। ये जो हम किताबें पढ़ रहे हैं, जो डिक्शनरीज़ हैं, जो लाइब्रेरीज़ हैं, सब थोड़ी पड़ जाएंगी इन सरकटे जिंद के सामने। जितने भी सरकटे जिन होते हैं, ये बहुत ही पुराने टाइम से होते हैं, बहुत ही लंबे समय से होते हैं। आप यूँ कह लीजिए हज़ारों वर्ष, 2000 वर्ष पुराने, 5000 वर्ष पुराने, 10000 वर्ष पुराने, यू कैन नॉट काउंट द नंबर ऑफ ईयर्स दे हैव सीन दिस वर्ल्ड। इन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें विटनेस की भी होती हैं जो इतनी दुर्लभ हैं कि अगर आपको वो जानकारी मिल जाए तो मतलब अमूल्य। यहाँ तक कि जो भी हमारी हिस्ट्री रही है, जो भी चीज़ें हमने ज्ञान हमें हिस्ट्री की बुक से, दस्तावेज़ों से मिला है, जो भी हमें जानकारी मिली है कि हमारे पास्ट में क्या हुआ था, किस तरीके के हमारे लाइफ में जो है इस पृथ्वी पे इंसिडेंट्स हुए थे, वो सब चीज़ों का ज्ञान इन्हें है। यूँ कह लीजिए अगर आपको कोई रेयर से रेयर इवेंट अगर हिस्ट्री में हुआ होगा और वो आपको नहीं पता, या फिर स्कॉलर्स को नहीं पता, या रिसर्च करने वाले को नहीं पता, वो इन सर कटे जिन को पता होगा। ये ऐसे जिन होते हैं कि इन्हें पुरानी से पुरानी चीज़ें पता होती हैं, मतलब इतने पुराने होते हैं ये, इनका लाइफ स्पैन इतना पुराना होता है। और जितनी भी पहले लड़ाइयाँ हुई हैं, वॉर्स हुई हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के खून बहे हैं, हर तरीके से उन सब के ये गवाह हैं। इनकी जो उपस्थिति है वो इतनी पुरानी है, मतलब आप कह लो कि कहीं भी लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है, चाहे वो आज हो रहा है, चाहे कल हो रहा है, चाहे पहले कभी हुआ होगा, चाहे राजा महाराजाओं के टाइम में हुआ होगा, उस टाइम में भी ऐसी जब भी कोई ट्रेजेडी होती है कि जब लड़ाई हो, खून खराबा हो और वो मास किलिंग हो, तो वहाँ ये अट्रैक्टिव यूँ कह लीजिए अट्रैक्ट होते हैं। ये उस सारे इंसिडेंट्स को देख के इन्हें एक आकर्षण होता है, एक खुशी होती है, और ये वहाँ पहुँच जाते हैं उस सारे सिनेरियो को विटनेस करने के लिए, जानकारी लेने के लिए, ज्ञान लेने के लिए कि युद्ध कहाँ हो रहा है, किसके बीच हो रहा है, कैसे हो रहा है। और जो वो युद्ध होता है उसके उसमें जो भी ब्रूटैलिटी हो रही होती है, खून खराबा हो रहा होता है, उसे इग्नाइट कर देते हैं, उसको बढ़ा देते हैं। यूँ कह लीजिए अगर दो देशों के बीच में पीस होनी होगी तो उस पीस को ये वॉर में बदल देंगे, इतनी इनके अंदर पावर और क्षमता होती है।
ये हवा में विचरण करते हैं मैक्सिमम टाइम। इनके अंदर एक क्वालिटी और होती है, वो है छलावे की क्वालिटी, यानी कि ट्रांसफॉर्मिंग देयर ओन ऑरा। ये अपने आप को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं किसी भी जानवर के रूप में, किसी भी पेड़ के रूप में, किसी भी नेचुरल चीज़ों के रूप में, चाहे किसी स्टोन के रूप में। और एक तरीके से ये ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन क्यों करते हैं, क्योंकि ये बुरे हैं तो ये अपने आप को कैमोफ्लैज कर लेते हैं, और कैमोफ्लैज करके लोगों को परेशान करना, उनको भटकाना। सपोज़ कोई मुसाफिर है जंगलों में जा रहा है रात के टाइम में, या आप किसी मेन रात को हाईवे की रोड पे जा रहे हो, आप रास्ता भटक गए हो, आपको नहीं पता लग रहा, और वहाँ पे गलती से ये बुरे जिन है, ये सरकटा जिन है वहाँ पे, तो ये पूरी कोशिश करेगा आपको वहाँ से भटकाने की, आपको प्रॉब्लम में डालने की, आपको परेशानी पैदा करने की। यूँ कह लीजिए कि अगर आपको घर जाने का रास्ता मिल भी रहा होगा और इसे पता लग जाए कि आपको रास्ता मिल रहा है, तो ये किसी ना किसी पेड़ का रूप लेके, किसी ना किसी इंसान का रूप लेके, किसी ना किसी जानवर का रूप लेके, किसी ना किसी वे में आपको ऐसी भ्रम की स्थिति में डाल देगा कि आप उसी जंगल में या उसी सुनसान एरिया पे रात भर फंसे रह जाओ, ताकि ये या तो आपका शिकार कर सके या फिर आपको सफरिंग्स में, परेशानी में देख सके। जब भी कोई परेशान है, रो रहा है, रोआ राट मच रहा है, कोई दुखी है और ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ है, वॉर में फंसा हुआ है, तो और अगर ये वहाँ पे हैं, विटनेस कर रहे हैं वो सब चीज़ें, तो ये उसकी मदद नहीं करते, उसकी हेल्प नहीं करते, बल्कि उसकी सफरिंग्स को बढ़ाने का काम करते हैं। और जब ये उस इंसान को देखते हैं जो रो रहा है, परेशान है और दुखी है, या उसको जो है यूं कह लीजिए कहीं फंसा हुआ है, दे मेक श्योर कि वो सफरिंग 10 गुना बढ़ जाए। जितना आप रोओगे, जितना आप परेशान होगे, जितना आप दुखी होगे, उतना ज़्यादा सुकून इनको मिलता है। यहाँ तक कि कई लोग होते हैं भूखे प्यासे दर दर भटक रहे होते हैं, जंगलों में फंस जाते हैं, खाना नहीं है, पानी नहीं है, एंड दे आर सर्चिंग फॉर फूड, और हर जगह वो कोशिश कर रहे हैं खाना ढूंढने की। तो ये पूरी कोशिश करते हैं अगर ये वहाँ हों कि आपको खाना ना मिले, आप धक्के खाते रहो, परेशान रहो, दुखी रहो, और आपको किसी भी तरीके से वो फूड ना मिले, आप स्टारवेशन से मर जाओ। और जब आप स्टारवेशन से मरो तो आपकी जो लाश है उसको गिद्ध नोच के खाएं, जानवर खाएं, और उसमें से ये फिर अपना हिस्सा ले लेते हैं। यूं कह लीजिए कि आपका जो भी फूड है उसको गायब करने तक की इनके पास पावर है, उसको खा जाने की इनके पास पावर है, उसको हर तरीके से अपने पोजेशन में करने की इनके पास पावर है। जितने भी नेचुरल कैलमिटीज़ होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, लैंडस्लाइड हो गया, बवंडर आ गया, तूफान आ गया, हरिकेन आ गया, इन नेचुरल कैलमिटीज़ में भी इनका बहुत बड़ा हाथ होता है, सुनामी तक में इनका हाथ होता है। सरकटे जिन इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ये जब भी देखते हैं लोगों को, मतलब हवा में ही होते हैं मैक्सिमम टाइम, और जैसे नीचे देख रहे हैं पूरे नज़ारे को कि लोग परेशान हैं, लड़ाई हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो इन्हें एक वो सुकून प्राप्त होता है जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, और ये पूरी शिद्दत से लग जाते हैं आपके उस पेन को बढ़ाने के लिए। यहाँ तक कि कभी कभी कहीं महामारी फैल जाती है उस तक में इग्नाइट करने में इनका हाथ होता है, ये इतने गंदे होते हैं। ये इन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें विटनेस कर रखी होती हैं जो शायद ही लोगों को पता हो, शायद ही लोगों ने आज तक जानी हो। एंड अगर पास्ट का ज्ञान लेना है, लाइफ का ज्ञान लेना है, चीज़ों का ज्ञान लेना है, खजाना कहाँ है ये पता लगाना है, ये सारी नॉलेज इनके पास होती है। मतलब आपको कोई भी एक ऐसा सवाल है जो आपको नहीं पता, मतलब आप कुछ भी ऐसी चीज़ जानना चाहते हो उस पूरी दुनिया की जो आपको नहीं पता या किसी को भी नहीं पता, पर आप जानना चाहते हो, उस तक का जवाब इनके पास होता है। इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं इनके दिमाग, हम यूँ कह लीजिए भौतिक दुनिया में तो अपने इस पंच तत्वों के बने शरीर के हिसाब से काम करते हैं कि हमारा दिमाग है, बट इनकी सोल की कॉन्शियस आप देखिए इतनी ज़्यादा होती है कि दुनिया की हर लाइब्रेरी फेल है इनके आगे, दुनिया का हर जवाब इनके पास होता है। अब रही बात इनको सेधने की, इनको सेधना इतना आसान नहीं होता, बहुत कुर्बानियाँ लोगों को देनी पड़ती हैं इनको सेधने के लिए। अगर किसी ने इन्हें सेध भी रखा हो सरकटे जिन को, और तो होता क्या है कि वो बंदा कभी भी अपने बेनिफिट के लिए इनको यूज़ नहीं कर सकता,
अगर वो अपने बेनिफिट के लिए इनको यूज़ करेगा तो उसको अपना अपनी लाइफ से सेक्रीफाइसेस करने होंगे एंड सफरिंग्स झेलनी होंगी। कुछ भी बेनिफिट अगर उसने अपने लिए लेना है या कुछ भी उसको अपने लिए जानना है तो उसका उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और उसकी कीमत बहुत बुरी होती है। मतलब यूँ कह लीजिए कि सपोज़ आपको जानना है किसी के बारे में कि आप किससे प्यार करते हो, आपको जानना है कि वो आपसे प्यार करता है कि नहीं, और आपने उससे सवाल किया जिन से कि सरकटे जिन से कि भाई तू बता, वो आपको बता देगा, पर उसका रिपरकशन फिर आपको एक सफरिंग या एक सेक्रीफाइस के रूप में देना होगा। या तो आपका कोई भी घर का जो है परिजन वो मर जाएगा, या आपके घर का कोई परिजन इतना ज़्यादा बीमार हो जाएगा कि उसकी हालत ख़राब हो जाएगी, या आपके अंदर कोई ना कोई रोग उत्पन्न हो जाएगा, या आपका कोई बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। मतलब इन एनी हाउ इफ़ यू वांट समथिंग यू हैव टू गिव समथिंग। आपको पर्सनली कुछ बेनिफिट चाहिए तो कुछ ना कुछ कुर्बानी देनी होगी, और कुर्बानी ही ये बुरी आत्माएं मांगती हैं, और बुरे जिन की बात करें तो ये कुर्बानी लेते हुए हिचकते नहीं हैं। हालांकि आप इनके मालिक हो उस टाइम जब आपने इन्हें सेध रखा है, बट स्टिल इनके अंदर इतनी पावर होती है कि ये आपको अपने हिसाब से चला सकते हैं। मतलब जो सेधने वाला है उसको तो लगता है कि वो मालिक है, पर सही मायने में जो जिसको सेधा गया है वो ही मालिक है। मतलब आप कभी भी इनकी जो माया है, जो पावर है, उसका अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते। उसके अलावा ये क्या करते हैं कि जैसे सरकटे जिन है, ये उस जो भी इंसान सेधता है, तांत्रिक सेधता है, दे चूज़ द लोकेशंस वेयर दे वांट टू सिट। मैक्सिमम टाइम पे ये कंधों पे बैठते हैं, इधर द राइट और द लेफ्ट, या फिर सर पे बैठते हैं। कई दफ़ा मास्टर्स अलाउ नहीं करते सर पे बिठाना, बिकॉज़ ये कम्प्लीटली ओवर पावर करने लगते हैं, इसीलिए वो कंधे पे बिठाना ही पसंद करते हैं। कंधे पे जब इन्हें बिठाया जाता है तो कई दफ़ा ये अपने उस मालिक के साथ भी शरारतें करना शुरू कर देते हैं, उसको प्रोवोक करना शुरू कर देते हैं, जिससे उसके अंदर एक तालाबेली क्रिएट हो, एक क्वेस्ट क्रिएट हो कि जानने की चीज़ों को, राज को, खजाने को, ऐसी ऐसी चीज़ों को कि क्या मेरी जगह में खजाना गड़ा है, क्या वो इंसान ऐसा चाहता है, क्या ये है, क्या वो। जब भी आपके अंदर पर्सनल बेनिफिट की कोई बात आ जाएगी और आपने इन्हें सेध रखा और आप गलती से ऐसा क्वेश्चन पूछ लोगे तो इतनी जल्दी ये उसका जवाब देंगे, आपको सेटिस्फाई करेंगे, एंड बूम आपके साथ कुछ ना कोई ट्रेजेडी हो जाएगी। आप किसी ना किसी जो है परिजन से हाथ धो बैठोगे, कोई ना कोई आपके साथ बुरा हो जाएगा। तो ये इनके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इन तांत्रिकों को, इसलिए मैक्सिमम टाइम पे जो भी तांत्रिक इनको सेधते हैं वो इनसे कोई भी इस तरीके का पर्सनल बेनिफिट का सवाल नहीं पूछते। बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना कि ये जो भी तांत्रिक वगैरह है, ये उन भूत प्रेतों जिन द्वारा अमीर क्यों नहीं बन जाते, अपना भला क्यों नहीं कर लेते, अपने आप को इतना बेनिफिट क्यों नहीं दे लेते। बिकॉज इफ़ यू रियली वॉन्ट समथिंग फॉर योर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, कुछ भी मतलब के लिए, अपने मतलब के लिए अगर आपको चाहिए तो आपको कुर्बानी देनी होगी, उसकी कीमत चुकानी होगी। ऐसे ही कुछ नहीं मिलता, देयर इज नथिंग लाइक अ फ्री लंच। और ये बात पारलौकिक दुनिया में भी बहुत मानी जाती है, और कोई भी तांत्रिक इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो अपनी जो लव्ड वंस को सेक्रीफाइस कर देगा किसी एक इच्छा के को पूर्ति करने के लिए। जब जब आप दूसरे के लिए मांगोगे, यू वांट टू नो समथिंग फॉर टू बेनिफिट एनीवन एल्स, किसी और की मदद करने के लिए इनसे मदद मांगोगे, तब ये बताएंगे, मदद करेंगे। यही बताते हैं कि सामने वाले के अंदर भूत है या जिन है, क्या है, किस तरीके से उस पर ब्लैक मैजिक हुआ है। वो लोग तांत्रिक खासकर जिनके पास विजन नहीं होती, जिनके पास वो पावर नहीं होती देखने की, वो इनका सहारा लेते हैं। इनको सेधना, पाले रखना, इट्स अ वेरी यू कह लीजिए कॉम्प्लिकेटेड थिंग, आसान बात नहीं है, आसान काम नहीं है, क्योंकि ये बहुत क्लेवर होते हैं। आप देखिए ना, जिसके अंदर कॉन्शियस इतनी तगड़ी है कि वो आपको हज़ारों सालों पुराना इवेंट कोई घटा होगा, मतलब यूँ कह लीजिए हिस्ट्री में आप कुछ भी पूछ सकते हो कि वाकई में ऐसा हुआ है कि नहीं, या वहाँ हुआ था तो किस तरीके से हुआ था, क्या वहाँ था, किसका क्या रोल था। मतलब कोई भी चीज़ अगर हमें भ्रमित किया गया होगा, मतलब हिस्ट्री भी अगर गलत होगी या क्या सही होगा उसमें, वो ये बता सकते हैं। तो आप खुद सोचिए इनकी पावर कितनी है। तो ये आपको इजीली बेवकूफ़ भी बना सकते हैं, इजीली आपके दिमाग के साथ खेल भी सकते हैं, आपको प्रोवोक कर सकते हैं गलत कामों के लिए। तो जो भी इन्हें सेधते हैं बहुत सोच समझ के सेधते हैं, और इन्हें सेधना इतना आसान नहीं होता। इनके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं,
जो सरकटे जिन होते हैं, जो बुरे जिन होते हैं, नाम क्या है वो नहीं मैं बता पाऊँगा आपको इस वीडियो में, क्योंकि कुछ बंदिशें मेरी भी हैं। और जो मैंने आपको ये ज्ञान दिया है, इनके बारे में इतनी डीप नॉलेज बताई है, ये भी आई नो मैंने कितना जो है रिस्क उठाया है इसके लिए। बाकी ये है कि सिर्फ इनसे ये बात हो सकती है कि भाई आप इनकी जो भी ये है कि लो कि भाई जो भी है ये सरकटे जिन ही हम बोलेंगे, वी विल नॉट कॉल देम बाय देयर नेम्स, ना हम इनके नामों का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये बहुत एक्टिव होते हैं। अगर आप इनको बुलाते हो, जंगलों में जाके पुकार करते हो इनकी, तो ये आ भी सकते हैं, इजीली पोजेशन भी कॉज कर सकते हैं। इनको कोई एज सच वो खुशी नहीं होती कि आपके शरीर में पड़े रहना, आपको यूज़ करते रहना खाने पीने के लिए, मतलब ऐसे छोटे पोजेशंस नहीं होते इनके। इनके पोजेशंस सिर्फ ये इस बात के होते हैं, दे जस्ट वांट टू सी डिस्ट्रक्शन, यू कैन से ये डीमन है डिस्ट्रक्शन के। और कुदरत ने, ईश्वर ने ही इनको रचा होता है, यूँ कह लीजिए। इनकी कभी भी कोई ऐसी भौतिक शरीर नहीं था, दे नेवर हैड अ ह्यूमन लाइफ। इनकी जो पूरी रचना है वो ईश्वर द्वारा इसीलिए की गई है ताकि ये डिस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हो सकें। और कोई भी चीज़, कोई भी क्रिएशन है जो ईश्वर ने बनाई है, ईश्वर पूर्णतः, जब पृथ्वी लोक की हम बात करते हैं, पृथ्वी लोक पे कोई भी चीज़ है, कोई भी सोल है, इधर इन द बॉडी ऑफ फ्लैश एंड बोन्स या फिर बिना शरीर के, उसको उसके प्रारब्ध के हिसाब से ईश्वर छोड़ देते हैं, हस्तक्षेप नहीं करते। तो अगर ये पृथ्वी पे जब विचरण कर रहे होते हैं और पृथ्वी के ही ये वासी कहलाते हैं, तो इसीलिए इनके भी कामों में, कर्मों में ईश्वर हस्तक्षेप नहीं करते। प्रारब्ध इनका भी होता है, कर्मफल इनका भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं। इनको किसी पर्पज़ के लिए बनाया गया, ये काम क्या करने हैं, बुराई करने हैं, पर इन्हीं की बुराई का फ़ायदा उठा के भी बहुत लोग भलाई के काम भी करते हैं। सपोज़ इनको सेध रखा है, कोई बंदा परेशान है, उसको ठीक करना है, उससे जानना है कि भाई उसको क्या हुआ है, और उस बंदे के पास तांत्रिक का विज़न नहीं है कोई भी जिससे वो जान सके, तो वो इनका इस्तेमाल करेगा, इनसे पूछेगा, ये बताएंगे। एंड ये भी इनको इल्म होता है कि भाई, मतलब इस उसमें भी ये रहते हैं कि भाई हम जल्द से जल्द भाग जाएँ उस मास्टर के यहाँ से, कहीं और चले जाएँ, इधर चले जाएँ, उधर चले जाएँ। वो भी इनके अंदर एक एग्रेशन रहती है, क्वेस्ट रहती है, तो कई दफ़ा ये डेथ के भी कारक बन जाते हैं उसी मास्टर के, बिकॉज इनका टोटल मोडस ऑपरेंडी इसी बात पे होती है, डिस्ट्रक्शन यानी कि खात्मा, बर्बादी। यहाँ तक कि कई लोगों को रोना सुनाई देता है, मौत का गान सुनाई देता है, जैसे रुदालियाँ रोती हैं या कोई भी बंदा रोता है, जो रुआ राट मच रहा होता है कि किसी की मौत पे, वो मौत का गान अगर आपको सुनाई दे रहा है तो वो मौत का गान भी यही गाते हैं। आप किसी जंगल में जा रहे हैं, आपको कोई पीछे से आवाज़ दे रहा है, आपको लग रहा है आपके साथ कोई चल रहा है, आपको हर वक्त कोई महसूस हो रहा है, ऐसे काम तो भूत प्रेत भी करते हैं। पर अगर रेगुलर बेसिस पे कोई आपको आवाज़ दे रहा है, रेगुलर बेसिस पे कोई रो रहा है, कोई रोने की आवाज़ आ रही है, कोई आपको मतलब हिप्नोटाइज करके खींच रहा है किसी एक ट्रबल सम एरिया की तरफ या किसी ट्रबल सम एंटिटी की तरफ, तो उसमें भी इन्हीं का हाथ होता है। मतलब अगर इन्होंने आपको उस मुसीबत तक भेजना है तो ये हर चीज़ करेंगे। मतलब इनका प्रायर मोटिव, ऑब्जेक्टिव, एवरीथिंग इज़ डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनकाइंड, डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमल्स। हर चीज़ जो ईश्वर की बनाई हुई है, कुदरत है, और ख़ासकर इंसानी जून है, उनका खात्मा, उनका कत्लेआम, उनका खून खराबा और उनकी आत्मा को गुलाम बनाना, ये इनके पास पावर रहती है। इनका आकार जब भी अगर रियल में अगर इनको देखा जाए तो ये सर कटे ही दिखाई देंगे, कटा हुआ सर ही दिखाई देगा, और कटा हुआ सर ही मतलब विजिबल उसमें आएगा। पर इनके अंदर भार बहुत होता है, लाइक अगर ये कंधे पे आके बैठ जाए, मतलब यू कैन नॉट इवन यू कैन से मूव, आप हिल भी नहीं पाओगे, उठ भी नहीं पाओगे, इतनी इनमें मतलब भार होता है। तो जितने भी गंदे जिन होते हैं सरकटे, ये बहुत बुरे होते हैं, बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं। अब कभी भी ये गलती नहीं करनी चाहिए हमें कि हम इस लालच में रहें कि हमें बहुत लोग इन चक्रों में होते हैं कि जिंद को सेधना है, जिन्नी को सेधना है, देख लेते हैं इधर उधर से भाई खजाना वो देगा ये देगा। जब भी आप अपने सेल्फिश मोटिव के लिए, मतलब के लिए कोई भी हेल्प मांगोगे तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और वो की कुर्बानी से। तो या तो आप किसी घर वाले से हाथ धो बैठोगे या फिर
ना जाने क्या ट्रेजेडी आपके साथ हो जाएगी। तो इन चक्करों में मत पड़िए बिल्कुल भी। और किस तांत्रिक के पास विजन है या किसके पास जिंद है जिससे वो आपको बता रहा है, वो तो वो तांत्रिक ही जाने। और आपको कभी भी इनके प्रति, ऐसी नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रति अट्रैक्टेड नहीं होना चाहिए। ये कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो आपका बेनिफिट सोचेंगी। ये कभी किसी का बेनिफिट नहीं सोचते, ये सिर्फ डिस्ट्रक्शन सोचते हैं। सिर्फ परेशानी, दुख, रोना, मौत, खून खराबा, लाश, सिर्फ यही इनको सुकून दे सकता है और कुछ नहीं। और एक बार ये आपके जीवन में आ गए तो यही सब आपके साथ होना है। परिवार के परिवार खत्म हो जाते हैं, एक के बाद एक बंदा मरते चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता। कोई बीमारी नहीं है पर बंदे मर रहे हैं, उसमें भी इन सर कटे जिन का मैक्सिमम हाथ होता है। तो आशा करता हूँ आपको आज का कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया की जानकारी मिलती रहे। अगर आप किसी भी तरीके की नेगेटिविटी से परेशान हैं तो एक बारी मेरी धुनी ज़रूर मंगाइए, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या फिर प्लैटिनम धुनी। घर में जलाइए, नारियल में भर के उसका उतारा कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है, दिक्कत आती है, आपको डर लगता है या लगता है आपकी रक्षा नहीं हो रही है, कोई आपको अफेक्ट कर सकता है, तो मेरा लॉकेट या कवच पहनिए। आप चाहे कहीं से भी सफ़र कर रहे हैं, आपकी रक्षा होगी। आप इन सब धुनी के लिए या लॉकेट के लिए या कवच के लिए मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कॉल कंसल्टेशन बुक करके मुझसे अपने केस के विषय में राय भी ले सकते हैं। कुंडली भी मुझसे बनवा सकते हैं, उसके लिए भी आपको 8130331007 पे ही संपर्क करना होगा, कॉल या व्हाट्सएप द्वारा। आप डायरेक्टली ईमेल भी कर सकते हैं अपनी कोई परेशानी, पुलकित सिंगला 901@gmail.com पे। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।